एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुंचे। उस गांव में ज्यादातर लोग शराबी और जुआरी थे। महात्मा बुद्ध ने वहां उनका उपदेश देना शुरू किया। वो कहने लगे, बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जाता। बुराई से बुराई समाप्त नहीं होती और अधिक बढ़ जाती है। पापी के साथ पापी मत बनो, क्योंकि कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं करते। बुराई को केवल अच्छाई मिटा सकती है। अब वहां बैठा हुआ एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें सुन रहा था। जब प्रवचन खत्म हो गया तो वो महात्मा बुद्ध के पास आकर बोलता है, अरे ओ पाखंडी, तुम यहाँ पाखंड फैलाने क्यों चले आए? तुम्हें लगता है तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई भी सुनने वाला है? बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, तुम्हें कुछ और कहना है? उसने बोला, क्यों नहीं कहेंगे, तुम ढोंगी हो, झूठे हो, पाखंडी हो। बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, अब तुम मेरी सुनो। यदि तुम्हारे पास एक रोटी है और वो तुम मुझे देना चाहते हो मगर मैं लेना नहीं चाहता, तो वो रोटी किसके पास रहेगी? उस आदमी ने कहा, सीधी सी बात है, वो मेरे ही पास रहेगी। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक बताया, अब तुमने जितने भी अपशब्द कहे मुझे वो मैंने नहीं लिए, तो अब वो अपशब्द किसके पास रह गए? वो आदमी समझ गया कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। दुनिया बहुत कुछ कहती है, चाहे वो बुराइयां हो, अपशब्द हो, पर वो महत्व तब रखता है जब आप उसे अपने अंदर ग्रहण करें। अगर आप उसे ग्रहण नहीं करते तो वो उसी व्यक्ति के पास रह जाता है। आपने उस बुराई को अपने पास आने ही नहीं दिया। अगली बार जब भी कोई आपसे अपशब्द कहे तो इस कहानी को जरूर याद रखें।